देखिए जी आगे जी रोड की चेकिंग वगैरह का काम जा रही है जी यहाँ पर। ये जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अवैस इकबाल और आप देख रहे हैं जी अपना यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे जी, अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़मान में रखे। वेलकम करता जी आपको अपने यूट्यूब चैनल में। हाजिर है जी रोड की नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ क्या रहा है कश्मीर, यानी कश्मीर रोड डाल कलर से रोड बन रही है इसकी अपडेट के साथ। और फेज़ टू में सख्त मौजूद हूँ, चेक करें ये पैचेज जी नए डाले गए हैं और यहाँ पर बहुत से हिस्से जी नए डाले गए हैं। कारपेट यहाँ पर ख़राब की गई थी, दोबारा रिपेयर किया गया था, तो अभी आप लोग जी कोई जज कर सकते हैं जी, बहुत हल्का सा जज हो रहा है जी, जहाँ जहाँ पर नई कारपेट डाली गई तो बेहतर हो गया जी। अभी जो रिपेयर का काम किया गया बेहतर किया गया, अभी देखें कितना अर्सा ये टिकती है। कुछ और जगह पर मार्किंग की गई थी लेकिन वहाँ पर पैच दोबारा नहीं डाले गए, चेक ये साइड में कचरा पड़ा हुआ जी, जहाँ से उखाड़ के दोबारा डाले गए। ये आगे जी रोड की चेकिंग वगैरह का काम जा रही है जी यहाँ पर। ये जी और ये पैच नए डाले गए, पंडोड़ा गांव में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर अभी भी पीछे आप लोगों को दिखाया रोड की चेकिंग वगैरह हो रही थी, तो अभी देखें क्लियर करते हैं क्या करते हैं इसको। ये चक्कर ये पैच भी नया डाला गया था जी, ये साइड पर कचरा पड़ा हुआ, जहाँ जहाँ पर साइड पर जी एसफाल्ट पड़ी हो एक्स्ट्रा आप लोग, तो वहाँ से आप लोगों को जज हो जाएगा जी यहाँ पर। ऐसा ये दोबारा रिपेयर किया गया जी कारपेट का। पंडोरा अटक पेट्रोल पंप के पास हम लोग इस वक्त जो मौजूद है, जंगल उठर वाली साइड पर जा रहे हैं, सरसों बशाह वाली साइड पर, उस तरफ आप लोगों को लेके जा रहा हूँ जी। ये जी अटक का पेट्रोल पंप पंडोरा गांव में, ये इस तरफ। ये जी डडाल तब फिर बताई गाड़ियाँ जाती हुई यहाँ से जी, इनका भी टाइम काफ़ी अभी शॉर्ट हो जाता होगा जी, पहले बहुत ज़्यादा टाइम लेता था इनका जी, लगता था कि रोड कंप्लीट जो है वो उखाड़ी गई थी, कंप्लीट ख़राब थी रोड, तो गाड़ी बहुत स्लो चलती थी। तो अभी ज़्यादातर हिस्से में जी कारपेट बेहतरीन है जी, तो अभी ज़्यादातर हिस्से में गाड़ियाँ काफ़ी तेज़ रफ्तारी के साथ चलती हैं जी। ये चक्कर जी पंडोड़ा वाला था बात कर रही है, जंगल उठर के करीब हम लोग पहुँचे हैं जी, बेहतरीन रोड कारपेट है। जहाँ पे बात रही है जी यहाँ पर साइडों पे नालियाँ वगैरह मस्त बननी चाहिए जी, ताकि पानी रोड के ऊपर ना आए, रोड ज़्यादा देर जो है वो पायदार रहे। शोल्डर वालों की जगह हैं, शोल्डर वाले सुनने में आए शोल्डर बनाए जाएंगे, तो अभी देखें कब तक बनाए जाते हैं, बड़ा लंबा प्रोजेक्ट लग रहा है जी ये। अभी शायद बजट की वजह से थोड़ा काम स्लो किया गया था, गवर्नमेंट की तरफ से इशू है या ठेकेदार की तरफ से इशू है, फेज़ टू में जी बिल्कुल काम नहीं हो रहा, जितना काम था बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और बता फेज़ वन में थोड़ा बहुत काम हो रहा है जी, चौ खासा पुल बन रहा है, कुछ जगहों पर नालियाँ वगैरह बन रही हैं जी। और ये जी जंगल होटल के करीब हम लोग पहुँचे हैं, काफ़ी मशहूर होटल इस रोड का, सरसों बादशाह बाज़ार से इस तरफ से जाएँ पहले, उस तरफ से आएँ कलर सिटी वाली साइड से, अगर आप डडाल वाली साइड पे जा रहे हो तो सरसों बादशाह बाज़ार के बाहर आता है जी जंगल होटल। ये गाजी होटल भी यहाँ पर एक नया होटल बनाया गया और हमारे लेफ्ट साइड पे ये जंगल होटल है जी इस तरफ। तो अभी आप लोगों को जी लेके जा रहा हूँ सरसों बादशाह बाज़ार में, बाज़ार भी आप लोगों को दिखाते हैं क्या सूरत हाल है बाज़ार के अंदर, कितना काम हुआ और कितना काम रह गया। और इस वीडियो में आप लोगों को जी पिंड मिर्गाला वाली साइड पे जो रोड जा रही है वो भी आप लोगों को दिखाते हैं जी, उसकी क्या सूरत हाल है, क्योंकि बाज़ार में उस तरफ में इतना ज़्यादा आप लोगों को दिखा नहीं पाया इस वीडियो में। चला सर से बचा बाज़ार के अंदर से भी आप लोगों को जी बेवल समोड़ वाली साइड पर जो रोड जा रही है वो भी दिखाते हैं, उस तरफ भी थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटो ब्लॉग बनाते हुए चेक कराते हैं। ये चेक करें बैल रोड के सीज़न है जी, मेले वगैरह लगे हुए हैं इन दिनों। ये जी ये पीस जी फेज़ टू में शहाकी से सरसों बादशाह ये पीस छोड़ा गया जी, छोटा सा यहाँ पर दीवारें वगैरह बननी है जी, रोड को चौड़ाई देनी है, तो काफ़ी ज़्यादा काम इस तरफ रह गया, छोटा सा पीस है बिल्कुल इस उतराई में, तो बाकी ओवरऑल काम बेहतर है जी।
ये चेक करें जी, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है जी रोड की। साइड पर नाली भी बनाई गई थी काफ़ी टाइम पहले, बिल्कुल जो बेड बिछाया गया था वो भी ख़राब हो चुका है जी, पुराना पानी की वजह से बेजर खाक वगैरह बह चुका है जी आगे पीछे। ये नाली बनाई गई इस तरफ, इस तरफ दीवार बना रहे हैं, ये चेक करें जी इस तरफ बिल्कुल गड़े बने हुए जी सेंटर में। ये जी यहाँ से फिर दोबारा ये रोड कारपेट है बिल्कुल, सर सबाशा आखिर तक जहाँ तक ठेकेदार का काम ख़त्म हो रहा है जी वहाँ तक, आगे छोटी सी पुली है वो काम रह गया, वो भी इंशाल्लाह आगे आने वाले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि उसका कितना काम हुआ कितना काम रह गया जी। ये है जी सूरत हाल इस तरह से जी, सर सबाशा बाजार में हम लोग दाखिल हो रहे हैं जी। कितना टाइम हुआ साकब? ये जी ये बकरे जी कुर्बानी की ईद आ रही है, बेहतरीन बकरे वगैरह अभी बैल गाय वगैरह इंशाल्लाह आप लोगों को कुछ आइडिया देंगे हमारे इलाके में क्या रेट चल रहे हैं, कुछ वीडियोस बनाने की कोशिश करेंगे। सर सबाशा बाज़ार में हम लोग दाखिल हो चुके हैं, चक्कर सर सबाशा बाज़ार अभी बेवल स्मोट वाले साइड में जो रोड जा रही है उस तरफ भी आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये चेक करें जी UBL बैंक सर सबाशा, ये सर सबाशा बाजार जी अभी गेमा गेमे बाजार की तेज, बाजार में रश भी बढ़ रहा है जी, टाइम तकरीबन 9:30 हो रहे हैं जी। भाई साहब बड़े सुकून से जी आगे पीछे एंजॉय करते हुए जा रहे थे, तो आगे हमारे लेफ्ट साइड पर जी इस तरफ बेवल स्मोट रोड है, इस तरफ आप लोगों को लेके चलते हैं जी। ये जी बेवल स्मोट रोड चक्कर है सर, बेहतरीन बाजार बाहर है जी सर से बचा बाजार, इस रोड पे अच्छी खासी मार्केट थोड़ा बनी हुई है जी। ये चक्कर है जी काफ़ी ज़्यादा बाजार भी जी यहाँ पर भी डेवलप है जी, और इस तरफ भी मार्केट थोड़ा काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है जी, आप लोग देख सकते हैं सूरत हाल यहाँ पर। अभी यहाँ से चलते हैं जी वापस, ये इस तरफ भी मार्केट से जी बाइक शॉप्स और वर्कशॉप्स वगैरह बनी हुई है काफ़ी ज़्यादा, सर सबाशा बाजार जी बेवल स्मोट रोड पे हम लोग इस वक्त जी गुजर रहे हैं। तो अभी वापस जी कलर फेरे वाले साइड पे चलते हैं जी सर सबाशा बाजार से निकल के जी, ये चक्कर है जी रोड की सूरत हाल आप लोगों के सामने। ये बाबा जी पीछे भी इसी तरह गाड़ी को मोड़ रहे थे अभी भी, तो ख्याल किया करें थोड़ा बहुत जी आप लोग जो लोग इस रोड पर सफ़र करते हैं जी, हादसे से बचे खुद भी बचे दूसरों को भी बचाएं। तो खैर जी सर से बच्चा बाजार से हम लोग अभी निकल आए और वीडियो को अभी ड्रैग नहीं करेंगे, तो वीडियो करते हैं एंड, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, और लास्ट में अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक फॉलो नहीं कर रहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है वहाँ जाके फॉलो कर लें,
तो इंशाल्लाह जी आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।